If you are thinking to start your skincare routine but don't know how to start, and especially if you are a teenager and looking for a good skincare routine with affordable products, ये वीडियो होने वाली आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि डे टू नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी स्किन केयर की ओनली 3 स्टेप, ज्यादा कोई चीजें नहीं, ज्यादा कोई प्रोडक्ट्स नहीं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट स्टेप आपकी स्किन केयर रूटीन का होता है फेस को वॉश करना या फिर फेस को क्लीन करना। फेस को क्लीन या वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्रू आउट द डे हमारी स्किन पे जो ऑयल इम्प्योरिटीज़ और डर्ट आती हैं उनको वॉश करने के लिए आपको एक अच्छा सा फेस वॉश चाहिए। कन्फ्यूज बिटवीन फेस वॉश और क्लेंजर, क्लेंजर लेना चाहिए या फेस वॉश, बोथ आर सेम, आपकी स्किन को साफ करने का काम करते हैं, लेकिन क्लेंजर इज माइल्ड और फेस वॉश थोड़ा सा हार्श होता है क्योंकि उसके अंदर थोड़े ज़्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं। यू कैन यूज़ बोथ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अच्छा, स्किन टाइप का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन कोई ऑयली है और आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स होंगे। सो यू शुड नो आपकी स्किन टाइप क्या है। स्किन को सबसे पहले आपने वॉश करना है विद फेस वॉश और क्लेंजर। डोंट यूज सोप्स वगैरह क्योंकि सोप्स आपकी स्किन को फ्लेकी एंड ड्राई करते हैं। मेरे पास है यहाँ पे पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश। आपको इसके अंदर हर स्किन टाइप के लिए फेस वॉश मिल जाते हैं। हिमालय के फेस वॉशेस भी काफी अच्छे और माइल्ड होते हैं। इनके बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम किसी भी टॉवल के साथ अपना मुंह पोंछ लेते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। आपने हमेशा एक सेपरेट छोटा सा टॉवल अपने बैग में रखना है, अपने पास रखना है, उससे ही अपना मुंह पोंछना है, साफ करना है। कोई भी कपड़ा यूज करेंगे, टॉवल यूज करेंगे तो वो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो, ब्रेकआउट्स हो, तो इसलिए इस चीज में ध्यान बरतना जरूरी है। नियर निविया, मामा अर्थ, हिमालय, मैकले फेस वॉशेज हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी फेस वॉश अपनी स्किन केयर में ऐड कर लो। उसके बाद जी बारी है हमारी सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ज्यादा गर्ल्स जो है ना वो या तो मॉइस्चराइजर यूज करती हैं, गलत यूज करती हैं, या फिर यूज ही नहीं करती। स्पेशली समर सीजन में कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहता ही नहीं क्योंकि ऑयली इतनी होती है, स्किन ऑलरेडी पसीने आ रहे होते हैं। सो अगर आप समर्स के लिए स्किन केयर रूटीन देख रहे हो तो आप एक जेल मॉइस्चराइजर बाय कर लो। पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर इज रियली रियली गुड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा मॉइस्चराइजर। आपने कभी भी स्किन को पूरा ड्राई नहीं करना, यानी धोने के बाद चेहरे को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। आपने हल्का सा गीला रखना है चेहरे को एंड देन उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई है, जेल मॉइस्चराइजर आपको सूट नहीं करता, तो आप पॉन्ड्स का ये लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। गर्मियों में बहुत चेहरे पर हल्का रहता है और सूट करता है आपकी स्किन को, बिल्कुल पसीने वगैरह नहीं आते, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपकी स्किन को फ्लैकी पैची होने से बचाता है और रिंकल्स वगैरह जो जल्दी आते हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। स्किन की जो प्रोटेक्टिंग बैरियर होती है उसको स्ट्रेथन करता है। तो बहुत ज्यादा मोटी मोटी बातें होंगी। सो मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, इन सारी चीजों को यूज करने के साथ साथ अपने वाटर की इनटेक भी आपने बहुत ज्यादा रखनी है। बहुत ज्यादा पानी पीना है, कम से कम 8 गिलास आपने लाजमी पानी के पीने हैं। अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। कुछ ऐसे फूड्स लेने हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। आप जो है एक मॉइस्चराइजर महंगा बाय नहीं कर सकते तो आप एक लोशन बाय कर लो। हाथ और पैरों पे भी यूज हो जाएगा, फेस पे भी यूज हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वालों को मैं यही कहूंगी कि जेल मॉइस्चराइजर बाय करें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। लोशन ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते। थर्ड एंड लास्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लोग इसी तरह से इग्नोर करते हैं जैसे कि आपको आपकी क्रश इग्नोर करती है, सनस्क्रीन या फिर सनब्लॉक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है UVA, UVB जो रेजेस होते हैं सन के, बताने की ज़रूरत नहीं। सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा जो गर्ल्स होती हैं इनको मिलाजमा पिगमेंटेशन हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि वो सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते। मेरे पास है जी यहाँ पे BNB डर्मा का जेल सनस्क्रीन जो कि ल्यूनर के नाम से। दिस इज़ वेरी गुड सन ब्लॉक। मैं इसको नाउडेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सन ब्लॉक काफ़ी हैवी लगता है फेस पे अगर किसी को, तो आप जेल बेस्ट सन ब्लॉक्स यूज़ करो। कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सन ब्लॉक यूज़ करो। अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे तब भी आप लाजमी सन ब्लॉक यूज़ करोगे ही। If your skin is little dry तो आप ये विंसे का सनब्लॉक यूज कर सकते हो, ये काफी सूटेबल रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बिल्कुल भी इसे यूज मत करना। ये दोनों सनब्लॉक आपको अंडर 1000 रुपीज में मिल जाते हैं। सनब्लॉक को लेकर एक दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सनब्लॉक आपने हमेशा हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है क्योंकि इनका जो प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है वो कुछ मिनट्स का होता है, कुछ टाइम लिमिट का होता है, उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है। तो आपने रीअप्लाई करना होता है हर 2 से 2.5 घंटे के बाद, तो आपने लाजमी रीअप्लाई करना है। ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन मैं आपको दे रही हूँ, अफोर्डेबल भी हैं और आप इनको बाय भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हो लेकिन सनब्लॉक यूज नहीं करते तो यही बात होगी कि आपने सारी चीजें डस्टबिन में फेंक दी, तो आपने सनब्लॉक लास्ट में यूज करना है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं नाइट केयर रूटीन की। नाइट केयर रूटीन में आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास या तो बेबी ऑयल होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए विटामिन ई कैप्सूल्स। आपको इजीली कॉस्मेटिक्स की शॉप में मिल जाएंगी, अदरवाइज मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बाय कर लीजिएगा। तो आप
आपको क्या चाहिए जी? विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए। विटामिन ई का कैप्सूल आपने एक लेना है। अच्छा, ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट बताया कि भाई आप कैप्सूल आपने लिया, ठीक है, एक कैप्सूल आप उसको काट के अपना मॉइस्चराइजर लेंगे, आपका जो भी मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर के मैंने डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, निविया का मॉइस्चराइजर हो, पॉन्ड्स का हो, जो भी हो आपके पास, आपने ज़रा सा मॉइस्चराइजर लेना है, फेस वॉश कर लें, उसके बाद जी अपने फेस को हल्का सा गीला रखें, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लेना है, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना आपने विटामिन ई कैप्सूल का डाल देना है, ठीक है, जो बाकी बचे वो रख लें, दूसरे दिन यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ग्रीसी कर देगा आपके फेस को। आपने 2 ड्रॉप्स के अंदर डालें एंड देन अपने फेस पर मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर देना है। यकीन करें आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी ना, दिस इज़ माय गारंटी। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये हैक मुझे ऐसा शेयर किया था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपली क्या करना है, रात को आपने फेस वॉश करना है। अच्छा, आपने डबल क्लिनजिंग का सुना होगा, रात के वक्त डबल क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है जी अपना फेस वॉश, ठीक है, जो भी आपके पास फेस वॉश है। मेरे पास यहाँ पे पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी है, फेस वॉश ले लिया थोड़ा सा, जितना भी आप फेस पे यूज़ करते हो उसके अंदर आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वो बेबी ऑयल के या विटामिन ई के डाल देने, ठीक है। अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो विटामिन ई, बेबी ऑयल ले रहे हैं तो बेबी ऑयल ले लें, ठीक है। आपने इसके अंदर डालना है एंड देन अपने फेस पे इसको लगा देना। जो स्किन आपकी पैची एंड ड्राई हो जाती है ना फेस वॉश के बाद, बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट लगे, ऑयल से अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ 4 चीजें हैं जो चाहिए अपने डे टू नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए, ज्यादा नहीं। एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, एक बेबी ऑयल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है एंड देन बेबी ऑयल यूज कर लें रात को, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो फेस वॉश करने के बाद बेबी ऑयल से मसाज कर लें, मॉइस्चराइजर को अवॉइड कर लें, बस यही सिंपल स्टेप्स हैं नाइट केयर के लिए, इससे ज्यादा नहीं। बेबी ऑयल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लास्ट ट्राई करें। तो ये था जी हमारा सिंपल नाइट केयर, डे केयर, समर स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉर टीनएजर्स, फॉर एवरीवन, जो भी यूज करना चाहते हैं। ये मेरी अपनी स्किन केयर रूटीन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही इजी एंड सिंपल। मतलब फैंसी चीजें बाय करने की जरूरत नहीं, जस्ट इन चीजों के साथ भी आप बहुत अच्छा सा स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 30+ हो, 25+ हो, देन यू कैन एड सीरम्स या नाइट क्रीम्स वगैरह इन योर स्किन केयर रूटीन, अदरवाइज आपको ज्यादा चीजें बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। स्किन केयर रूटीन के साथ साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, पानी के इनटेक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इन सारी चीजों को मिलाकर ही आप एक ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो, ग्लास स्किन अचीव कर सकते हो। मैंने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट की थी तो मैंने इन्हीं 3 सिंपल स्टेप्स के साथ की थी और स्टिल सेम मैं करती हूँ, और मैं इसलिए आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी पैसे बचे और वो भी एक अच्छी स्किन केयर रूटीन अडॉप्ट कर सकें। अब आज के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।